नमस्ते बच्चों, मैं ब्रजेश कुमार शर्मा, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज रहीम नगर पड़ियाना, जनपद लखनऊ। आज आपको अध्याय 3 आव्यूह के 5वें लेक्चर है हमारा, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। चौथे लेक्चर में इसमें हम आज पुनरावलोकन करेंगे कि चौथे लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। फिर आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं क्या हैं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या है, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक आव्यूह का व्युत्क्रम क्या है, और प्रारंभिक संक्रियाओं पर प्रश्न क्या होंगे, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। पुनरावलोकन में हमने जैसे लेक्चर 4 में हमने बताया था आपको कि परिवर्त आव्यूह क्या होते हैं, सममित आव्यूह क्या होते हैं और विषम सममित आव्यूह क्या होते हैं। आइए हम एक प्रश्न के द्वारा परिवर्त आव्यूह, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के बारे में फिर से जानते हैं। यदि a इक्वल टू 1567 तो सिद्ध कीजिए a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है। a हमारा दिया हुआ है 1567, तो a डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a डैश परिवर्त आव्यूह है। परिवर्त आव्यूह के लिए हम क्या करते हैं, पंक्ति को स्तंभ में बदलते हैं। पहली पंक्ति है 1-5, इसको पहला स्तंभ बना देते हैं। दूसरी पंक्ति 6-7 है, इसको हम दूसरे स्तंभ के रूप में लिख देते हैं 6-7। तो ये हमारा परिवर्त आव्यूह आ गया a का। अब a प्लस a डैश निकालना है तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 1567 प्लस ये दूसरा a डैश आव्यूह 1657। अब जोड़ने के लिए इनके संगत अवयवों को हम जोड़ देंगे, a प्लस a डैश, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, 5 में 6 जोड़ेंगे 11 आ जाएगा, इस 6 में ये 5 जुड़ेगा 11 आ जाएगा, 7 में ये 7 जुड़ेगा 14 आ जाएगा। अब मान लीजिए b इक्वल टू है हमारा a प्लस a डैश, यानी कि 2 11 11 14। अब हम निकालेंगे b डैश। b डैश क्या होगा, b का परिवर्त आव्यूह। b का परिवर्त आव्यूह b डैश हमारा जो होगा, पहली पंक्ति है इसको पहला स्तंभ बना दें 2 11, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ के रूप में लिख दें 11 14। अब देखिए जो b के एलिमेंट हैं 2 11 2 11, यहाँ b डैश में भी हैं, 11 14 दूसरी पंक्ति में है, b डैश में भी 11 14 दूसरी पंक्ति में है। इसका मतलब ये हुआ कि b डैश इज इक्वल टू किसके है, b के। b हमने क्या माना, a प्लस a डैश, दैट्स मीन a प्लस a डैश जो हमारा आव्यूह है उसका जो परिवर्त आव्यूह है वो b के बराबर, यानी कि a प्लस a डैश के बराबर है। तो अगर किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह उसी आव्यूह के बराबर हो जाता है तो अतः a प्लस a डैश सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। अब हमें सेकेंड पार्ट करना है, a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह है। तो सेकेंड पार्ट a माइनस a डैश, तो a है हमारा 1567, a डैश हो जाएगा हमारा 1567। अब a माइनस a डैश इनके संगत अवयवों को घटा देंगे, 1 से 1 घटाएंगे 0, 5 से 6 घटाएंगे तो -1, और 6 से 5 घटाएंगे 1, 7 से 7 घटाएंगे 0। मान लीजिए कि ये हमारा b इक्वल टू है a माइनस a डैश, और ये आ गया है 0 -1 1 0। अब हम b डैश निकाल लें, इसका परिवर्त आव्यूह। तो जो पहली पंक्ति है 0 -1, इसको पहला स्तंभ बना दें, जो दूसरी पंक्ति है 1 0, इसको दूसरा स्तंभ बना दें, तो ये b डैश निकल आया। अब देखिए इसको हम, ये हमारा 1 से मल्टीप्लाई है, 1 हम बाहर लिखा हुआ, तो इसको हम -1 × -1 लिख सकते हैं, -1 × -1 +1 हो जाएगा, और ये हो गया हमारा 0 1 -1 0, ये आ गया -1, बाहर रखते हैं, और इस -1 के इसके हर अवयव को गुणा करते हैं। -1 को 0 से गुणा करेंगे 0 रहेगा, -1 को 1 से गुणा करेंगे -1 आ जाएगा, -1 को -1 से गुणा करेंगे +1 आ जाएगा, -1 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 रहेगा।
यानी कि आ गया माइनस वन इंटू, ये हमारा जीरो माइनस वन, वन जीरो क्या है बी है, ये माइनस वन इंटू बी आ गया, अर्थात बी डैश इज इक्वल टू आ गया माइनस बी। तो अगर किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह उसके ऋणात्मक आव्यूह के बराबर होता है तो, या ऐसे कह सकते हो कि a माइनस ए डैश डैश इज इक्वल टू a माइनस ए डैश, अतः a माइनस ए डैश क्या होगा विषम सममित आव्यूह होगा। और इस तरीके से प्रूफ हो गया, यानी किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह अगर ऋण आव्यूह आ जाता है उसी का तो उस विषम सममित है, और उसी आव्यूह के बराबर आया था तो सममित आव्यूह है। अब हम बताएंगे आव्यूहों पर प्रारंभिक संक्रियाएं। किसी आव्यूह पर छह प्रकार की संक्रियाएं या रूपांतरण किए जा सकते हैं, जिनमें से तीन रूपांतरण या तीन संक्रियाएं पंक्तियों पर होती हैं और तीन संक्रियाएं या तीन रूपांतरण स्तंभ पर होते हैं, और इन्हीं छह रूपांतरणों को हम प्रारंभिक संक्रिया कहते हैं। पहला रूपांतरण या पहली प्रारंभिक संक्रिया है आर आई, मतलब किसी पंक्ति को किसी स्तंभ में हम परिवर्तित कर सकते हैं, यानी एक पंक्ति के सारे अवयव को हम दूसरी पंक्ति के सारे अवयवों से आपस में परस्पर विनिमय कर सकते हैं, बदल सकते हैं, या कि एक स्तंभ के सारे अवयव को दूसरे स्तंभ के सारे अवयव के साथ हम उनका विनिमय कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, सी आई कैन बी चेंज टू सी जे, ये पहली प्रारंभिक संक्रिया। दूसरी प्रारंभिक संक्रिया यह है कि किसी पंक्ति के सभी अवयवों को हम किसी शून्येतर संख्या से गुणा कर सकते हैं, या किसी स्तंभ के सभी अवयवों को किसी शून्येतर संख्या से के से गुणा कर सकते हैं, के इज नॉट जीरो, यानी के एक शून्येतर संख्या है, शून्य के अतिरिक्त कोई संख्या है। तीसरा है कि हम किसी पंक्ति में दूसरी पंक्ति के अवयवों को किसी शून्येतर संख्या के से गुणा करके जोड़ सकते हैं, आर आई कैन बी चेंज एज आर आई प्लस के आर जे, या किसी हम स्तंभ में दूसरे स्तंभ के सभी अवयवों को एक शून्येतर संख्या के से गुणा करके उसमें जोड़ सकते हैं, जैसे सी आई कैन बी चेंज एज सी आई प्लस की के सी जे, जहां के एक नॉन जीरो एलिमेंट है, यानी के शून्य के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या है। ये छह संक्रियाएं होती जिनका प्रयोग हम आगे सीखेंगे। व्युत्क्रमणीय आव्यूह, यदि ए कोट एम का एक वर्ग आव्यूह है और यदि एक समान कोट का अन्य वर्ग आव्यूह है, और दोनों उसका अस्तित्व इस प्रकार है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, तो बी को आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं, और इस व्युत्क्रम आव्यूह को ए इनवर्स द्वारा निरूपित कहते हैं। तो अगर एक व्युत्क्रम आव्यूह है तो आव्यूह व्युत्क्रमणीय होगा। एक महत्वपूर्ण तथ्य इसमें है कि ए तथा बी समान कोटि के आव्यूह हैं, समान कोटि के आव्यूह हैं, तो ए बी इनवर्स इक्वल टू बराबर होगा बी इनवर्स ए इनवर्स। आव्यूह कैसे निकालेंगे, व्युत्क्रम आव्यूह, व्युत्क्रम आव्यूह निकालने के लिए अगर हमें व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है तो मान लो ए का व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है, ए का व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है तो ए इज इक्वल टू, अगर हम पंक्ति संक्रिया पंक्तियों वाली तीनों संक्रियाओं को प्रारंभिक संक्रियाओं को हम लागू करना चाहते हैं तो हम ए इज इक्वल टू आई ए लिखेंगे, और उसके बाद में हम पंक्ति की प्रारंभिक संक्रियाओं को तब तक हम अपनाते रहेंगे जब तक ये ए है वो आई यानी कि तस्मक आव्यूह ना बन जाए। जब ये तस्मक आव्यूह बन जाएगा आई तो यहाँ पर कोई दूसरा आव्यूह आ जाएगा बी आई के पर और ये ए हो जाएगा, और अगर ऐसी स्थिति में जब आई इक्वल टू बी ए हो जाएगा तो बी जो है वो ए का व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा, यानी बी इक्वल टू ए इनवर्स होगा। और अगर हम ए का व्युत्क्रम आव्यूह निकालने के लिए स्तंभ संक्रिया अपनाना चाहते हैं उस मेथड से भी कर सकते हैं, तो स्तंभ संक्रिया के लिए क्या हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू ए आई लिखेंगे, और उसके बाद में हम स्तंभ वाली संक्रियाएं तब तक हम करते रहेंगे जब तक ये ए आई ना बन जाए, और फिर आई इज इक्वल टू
ए बी बन जाएगा और बी जो है ए का इनवर्स कहलाएगा। एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझते हैं। एक प्रश्न है, प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग द्वारा आव्यूह ए इक्वल टू 1 टू 2-1 का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कीजिए। पंक्ति संक्रिया के द्वारा हम इसको लगाएंगे, पंक्ति की प्रारंभिक संक्रियाओं को अपनाएंगे, तो हम लिख लें ए इज इक्वल टू आई ए। अब ए यानी कि 1 2 2-1 इज इक्वल टू आई, ये 2/2 का है तो यहाँ भी हम एक 2/2 का तत्समक आव्यूह लेंगे, 1001 इंटू ए। अब हम प्रारंभिक संक्रियाओं को यहाँ पर लागू करेंगे। अब जैसे यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है, तो अगर हम एक को दो से गुणा कर दें R1 में और R2 से हम घटा दें तो ये हमारा जीरो हो जाए, क्योंकि इधर हमें I लाना है, तो यहाँ 1 लाना है, यहाँ लाना है 1, यहाँ यहाँ 0 लाने हैं। तो हम क्या करेंगे, R2 को हम चेंज करेंगे R2-2R1 से। ठीक, अब इसको देखिए चेंज करते हैं, तो R1 तो वैसे रहेगा 1 2, एक को 2 से गुणा किया, 2 से घटा दिया, 0 हो गया। इसको 2 से गुणा किया, 2 दुगुना 4 और -1 से -4 करेंगे तो आ जाएगा -5। इधर एक को 2 से गुणा किया, 1 और 0 ऐसे आ जाएगा, एक को 2 से गुणा किया 0 2 आया, 2 को 0 से घटाया तो -2 आया। यहां 0 को 2 से गुणा करेंगे 0 ही रहेगा, 1 से 0 को घटाएंगे 1 ही रहेगा इंटू ए। अब R2 को हम क्या करें कि -R2 को हम चेंज कर दें -1/5 R2 से, यानी -1/5 जो शून्यतर संख्या है इससे हम इसमें गुणा कर दें। ये हमारा है संक्रिया नंबर 2। तो ऐसा करते हैं तो पहली पंक्ति तो वही रहेगी 1 और 2, और 0 को 1/5 -1/5 से गुणा करेंगे 0 रहेगा, और -5 को -1/5 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। और इधर देखिए 1 और 0 ऐसे ही रहेगा, और -2 को -1/5 से गुणा करेंगे तो -+ हो जाएगा, 2 + 2/5 हो जाएगा। फिर 1 है, इसको -1/5 से गुणा करेंगे तो ये -1/5 आ जाएगा इंटू ए। अब यहां 0 लाना है तभी ये तत्समक का आव्यूह बनेगा, तो यहां 0 लाने के लिए अगर हम इसको 2 से गुणा कर दें और यहां घटा दें तो यहां 0 हो जाएगा। इसका मतलब R1 जो है हमें चेंज करना है किससे, R1 से घटा दें 2R2 को, R2 को 2 से गुणा करके R1 से घटा दें। संक्रिया नंबर 3, तो देखते हैं ये 0 है, 2 से गुणा किया 0 ही रहा, और 1 से 0 घटाए 1 हो गया। ये 1 है, 2 से गुणा करेंगे 2 + 1 = 2, 2 से 2 घटा देंगे 0 हो जाएगा, यहां 0 और यहां पर 1। इधर भी वही अपनाएंगे, इसको हम 2 से गुणा करें तो 2 दुगुना 4 4/5 1 - 4/5, और यहां 2 से 0 से हम घटाएंगे इसको तो 2 से गुणा करेंगे तो -2/5 हो जाएगा, और ये माइनस इसको प्लस कर देगा 2/5। उसके बाद में ये ऐसे ही रहेगा 2/5 और -1/5 इंटू ए। अब ये आइडेंटिटी आ गई हमारी, आई इज इक्वल टू ये आ गया 5 + 5 5 से 4 गया 1/5, और ये 0 में 2/5 जोड़ेंगे 2/5, ये 2/5 और ये -1/5 इंटू ए। अब ये आई इज इक्वल टू क्या है, बी इंटू, ये बी मिल गया हमें इंटू ए, और b इज इक्वल टू होता है हमारा a इनवर्स, b जो है a का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, और वो आ गया हमारा इज इक्वल टू 1/5 2/5 और 2/5 और -1/5, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हमारा व्युत्क्रम आव्यूह प्राप्त हो गया। एक और उदाहरण के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। ए दिया हुआ है तो पंक्ति आव्यूह से अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो ए इज इक्वल टू आई ए लेंगे, और ए है हमारा 0 1 2 1 2 3
और 3 1 1 इज इक्वल टू आई, ये 3/3 का तत्समक आव्यूह लेना पड़ेगा, 100 010 और 001 इंटू ए। अब हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, R1 और R2 को आपस में हम चेंज करेंगे, ठीक। यानी R1 के सारे एलिमेंट R2 के जगह पर और R2 के सारे एलिमेंट R1 की जगह पर, यानी कि पहली प्रारंभिक संक्रिया। तो 1 2 3 ये ऊपर चला गया R2 R1 की जगह पर, और R1 R2 की जगह पर आ जाएगा 0 1 2, और फिर ये हो जाएगा 3 1 1 इज इक्वल टू, अब जैसे यहां होगा दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति के स्थान पर चली जाएगी 0 1 0, और पहली पंक्ति दूसरी स्थान पर चली जाएगी 1 0 0, फिर 0 0 1 इंटू ए। अब हमें यहां 1 है ही है ऑलरेडी, यहां पर हमें 0 लाना है। तो अगर हम R2 को 2 से गुणा कर दें, 2 1 2 हो जाएगा और इस 2 से घट जाएगा, तो यहां 0 हो जाएगा। यानी R1 को हम चेंज करेंगे किससे, R1 - 2 R2 से, ये हम लागू करेंगे। तो R1 से 2 R2 घटाना है, तो ये आ जाएगा, देखिए 0 है, 0 को 2 से गुणा करेंगे 0 रहेगा, 1 से 0 घटाएंगे 1 ही रहेगा। 1 को 2 से गुणा किया 2 1 2, और इस 2 से घट गया, 2 से 2 घट गया 0 हो गया। यहाँ 2 2 4 हो जाएगा, 3 से 4 घटेगा तो -1 आ जाएगा। फिर ये 0 है और 1 2, ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि R1 को चेंज किया हमने, और R3 भी ऐसे रहेगा 3 1 1 इज इक्वल टू, इधर भी ऐसे कर दें, यहां 2 से गुणा करेंगे 1 को 2 हो जाएगा, 0 से 2 घटेगा तो -2 हो जाएगा। फिर ये 0 है, 0 को 2 से गुणा करेंगे 0 ही रहेगा, और 1 से 0 घटाएंगे 1 ही रहेगा। यहां 0 हो जाएगा 2 से गुणा करने पर, और 0 को 0 से घटाएंगे तो 0 ही रहेगा, और ये 1 0 0 ऐसे ही आ जाएगा 0 0 1। अब इसके बाद में हम इसको 3 से गुणा करें R1 को, और R3 से घटा दें, 3 1 3 3 से 3 घट जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा, ऐसे ही रहेगा 1 0 -1 और 0 1 2 ऐसे ही रहेगा। 3 1 3 1 को 3 से गुणा किया, 3 1 3 3 से 3 घटाया 0, 0 को 3 से गुणा करेंगे 0 रहेगा, 1 से 0 घटाएंगे 1 हो जाएगा, और -1 को 3 से गुणा करेंगे -3 हो जाएगा, और 1 से -3 घटाएंगे तो -- प्लस होकर के ऐसे 1 -3, तो ये हो जाएगा 1 + 3 यानी कि 4 आ जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा 4। इधर देखें -2 ऐसे रहेगा, 1 ऐसे रहेगा, 0 ऐसे ही रहेगा, 1 ऐसे रहेगा, 0 ऐसे रहेगा, 0 ऐसे रहेगा। 3 से गुणा करना है, ये हम कर क्या रहे हैं, R3 को चेंज कर रहे हैं R3 - 3 R1 से, ठीक। तो R3 को चेंज करना, तो यहाँ 2 3 6 हो गया माइनस का, और 0 से -6 घटाएंगे तो प्लस का 6 बन जाएगा। यहाँ 3 1 3 हुआ, और 0 से 3 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। यहाँ 0 है, 1 से 0 घटाएंगे तो 1 ही रहेगा। तो R3 को हमने चेंज कर दिया R3 - 3 R1 से। अब देखिए यहां भी 0 आ गया। अब अगर इससे इसको घटा दें, 1 से 1 को घटा दें, तो ये भी 0 हो जाएगा। यानी कि हम R3 से R2 को घटा दें, फिर R3 ही चेंज हो रहा है, 1 0 -1 0 1 2। अब 0 से ये 0 घटेगा तो 0 रहेगा, इस 1 से ये 1 घट जाएगा 0 हो जाएगा, 4 से 2 घट जाएगा 2 आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर करते हैं, -2 1 और 0 ऐसे ही रहेगा, 1 0 0 ऐसे रहेगा। अब 6 से 1 घटा दिया, यानी कि यहां पर हम कर क्या रहे हैं, हम R3 को चेंज कर रहे हैं R3 - R2 से। तो 6 से 1 गया 5, और -3 से 0 गया -3, 1 से 0 गया 1 ही रहा। अब हमें 2 से भाग दे दें इसको, तो यहां पर 1 आ जाए। तो हम R3 को 2 से भाग दे रहे हैं, तो R1 R2 बदलेगा नहीं, 1 0 -1 रहेगा, 0 1 2 रहेगा। इसको 2 से भाग देंगे 2 0 0, इसको 2 से भाग देंगे 2 0 0, इसको 2 से भाग देंगे तो 2 1 कम
दो आ जाएगा। इक्वल टू इधर भी ऐसे कर दें, माइनस दो एक जीरो ऐसे ही रहेगा और एक जीरो जीरो ऐसे आ जाएगा। इसको भाग देंगे तो पाँच बटे दो हो जाएगा, इसको भाग देंगे तो माइनस तीन बटे दो हो जाएगा, इसको भाग देंगे तो एक बटे दो हो जाएगा। यहाँ पर हमने आर थ्री चेंज किया है एक बटे दो इंटू आर थ्री से। अब अगर हम आर थ्री और आर वन जोड़ देंगे तो यहाँ माइनस वन ये प्लस वन ये मिलकर के जीरो हो जाएगा। तो जोड़ देते हैं, एक में जीरो जोड़ेंगे एक रहेगा, इस जीरो में जीरो जोड़ेंगे जीरो रहेगा, माइनस एक में प्लस एक जोड़ देंगे तो ये जीरो हो जाएगा। और जीरो एक दो जीरो जीरो एक ये ऐसे ही रहेगा। यहां जोड़ते हैं तो माइनस दो में प्लस पांच बटे दो जोड़ेंगे तो दो दुना चार माइनस का हो जाएगा, पांच से घटेगा तो एक बटे दो आ जाएगा। एक में माइनस तीन बटे दो जोड़ेंगे, एक माइनस तीन बटे दो तो यह हो जाएगा दो एक कम दो, दो से तीन गया माइनस एक बटे दो, तो यह आ जाएगा यहां पर हमारा माइनस एक बटे दो। और जीरो में एक बटे दो जोड़ेंगे तो एक बटे दो आ जाएगा। और ये वन जीरो जीरो और पांच बटे दो और माइनस तीन बटे दो और एक बटे दो। यहां पर हमने किया है R1 चेंज किया है हमने R1 प्लस R3 से, ठीक है। अब हमें जो है इसके बाद में यहां पर भी जीरो ले आए तो हमारा ये I मिल जाएगा। और यहां जीरो लाने के लिए R3 को अगर हम दो से गुणा कर दें और R2 से घटा दें, यानी अब हमें क्या करना है, R2 को चेंज करना है। नेक्स्ट चेंज करते हैं, उसी के आगे हम करते हैं। देखिए अभी हमारा जो आया था वन जीरो जीरो और यहां पर था जीरो वन टू और यहां था जीरो जीरो वन इज इक्वल टू एक बटे दो माइनस एक बटे दो और एक बटे दो। इसके साथ साथ था एक जीरो जीरो और पाँच बटे दो माइनस तीन बटे दो और एक बटे दो इंटू ए, ये था। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि आर टू को चेंज करना है आर टू माइनस टू आर थ्री से। तो चेंज कर देते हैं, ये वन जीरो 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 से जीरो घट गया जीरो, इस जीरो को दो से गुणा करेंगे जीरो रहेगा, एक से जीरो घटेगा एक ही रहेगा, एक को दो से गुणा किया दो एक कम दो, दो से दो घट गया जीरो हो गया, जीरो जीरो वन इज इक्वल टू यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक ये ऐसे ही रहेगा एक बटे दो माइनस एक बटे दो एक बटे दो और एक से हम इसको दो से गुणा करें पाँच बटे दो को तो दो दो कट जाएगा पाँच बटेगा और एक से पाँच घटाएंगे तो माइनस चार आ जाएगा। यहां दो से गुणा करेंगे दो दो कट जाएगा माइनस तीन बटेगा, जीरो से माइनस तीन घटाएंगे तो प्लस का तीन बन जाएगा। यहां दो से गुणा करेंगे दो दो कट जाएगा एक बचेगा, जीरो से एक घटाएंगे तो माइनस एक आ जाएगा। और ये पांच बटे दो ऐसे ही रहेगा, माइनस तीन बटे दो ऐसे ही रहेगा और एक बटे दो ऐसे ही रहेगा इंटू ए। यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर ये लिख रखे हैं पहले आर टू चेंजेस टू आर टू माइनस टू आर थ्री। तो ये हमारा पर आ गया आई, ये आ गया हमारा बी इंटू ए। तो B इज इक्वल टू ए इनवर्स और ये आ गया हमारा एक बटे दो माइनस एक बटे दो माइनस चार तीन माइनस एक पाँच बटे दो माइनस तीन बटे दो और एक बटे दो और ये हमारा व्युत्क्रम आव्यूह निकल आया। गृह कार्य, ये आपका गृह कार्य है, P बराबर एक मैट्रिक्स दी है, P इनवर्स याद कीजिए इसका अस्तित्व है और प्रारंभिक संख्याओं के प्रयोग द्वारा आव्यूह 20 माइनस 1 510 0 13 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। बच्चों प्रस्तुत अध्याय के अंत में पाठ सामग्री तथा अभ्यास कार्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन